नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मूव फैक्ट में। आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स के उस कमाल को दिखाने वाले हैं जिसकी बदौलत से मूवी के अंदर हमको बेवकूफ बनाया जाता है। सबसे पहले हम इस सीन को देखते हैं जिसमें यह हीरो चलती हुई ट्रेन से दूसरी ट्रेन के ऊपर जंप लगाता है। इसका बिहाइंड द सीन को आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे नीचे की तरफ छोटे छोटे ग्रीन स्क्रीन फर्श लगा रखे हैं और साइड पर भी एक बड़ा सा ग्रीन स्क्रीन पर्दा लगा रखा है, जिन्हें बाद में कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से हटाकर CGI की मदद से ट्रेन के चलने जैसा मूवमेंट क्रिएट कर दिया गया, जिसे हम ट्रेन की साइड पर और नीचे की तरफ देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड सीन की तरफ। अभिनेता नासर एक सोफा के ऊपर बैठे हैं जिनके पीछे एक ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड बना रखा है, जिसे VFX की मदद से बाद में कुछ इस प्रकार बना दिया गया, जिसमें जो घर है उसका साइज भी बढ़ा दिया गया और कुछ एक्स्ट्रा चीजों को ऐड कर दिया गया। यह है भारतीय तेलुगु मूवी रुद्रमा देवी का सीन, जिसमें अल्लू अर्जुन हमें एक महल के हिस्से पर खड़े दिखते हैं। इसका बिहाइंड द सीन को आप यहाँ पर देख सकते हो। अल्लू अर्जुन जो है वह महल के जिस पार्ट पर खड़े थे उस पार्ट को ही तैयार कर रखा है और पीछे ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड लगा रखा है, जिसे बाद में कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से कुछ इस प्रकार बदल दिया गया, जिसमें हमें एक बड़ा आलीशान महल दिखता है जो दिखने में काफी रियल और अट्रैक्टिव लग रहा है। यह सीन आपको कंफ्यूज कर देगा। इस सीन में हमें दो एक्टर्स एंड एक हीरोइन दिख रही है। इस सीन में दोनों तरफ ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड लगा रखे हैं। यहाँ पर दरवाजे वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन जब इन्हें VFX एंड CGI की मदद से रिप्लेस किया गया तो इस सीन में हमें एक दरवाजा भी देखने को मिलता है एंड साथ ही एक मकान का हॉल भी नजर आता है। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि यहाँ पर तो दरवाजा है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ ग्रीन स्क्रीन पर्दा लगा रखा है, तो ये दरवाजे के अंदर कैसे गए? तो इस सीन का अगला स्टेप दूसरी जगह शूट किया गया था, जिसमें हमें एक और पीछे की तरफ ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड तैयार किया हुआ नजर आता है। इसको भी आफ्टर दैट CGI एंड VFX की मदद से कुछ इस प्रकार बदल दिया गया। और अगर आपको मूवी बिहाइंड द सीन से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।